भाई मोनिका बहन का जो चैनल है मोनिका लवान व्लॉग्स करके आपने दोनों है भाई दोनों हाँ। भाई दो दोनों चैनलों को आपने प्यार देना है। और देखो अपना तो आपका शरीर सच्चे हाँ बहन की दोनों टांगे नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना प्रयास कर रही है। भीड़ के अंदर मैंने कई जो महापंचायतें हैं जो कई बार भाई बड़े बड़े आंदोलन है या वहां तक पहुंची दिल्ली जंतर मंतर तक तो इसकी मेहनत है या इसका संघर्ष है वहां तक जब जाओ है और किसी को न्याय दिलाने के लिए भी थाने कोर्ट वहां तक भी गई है तो इसकी मेहनत है यार। तो भाई आपको मैं मोनिका लोहान न्यूज देखने वाले सरदस का राम राम। दो चेहरे बताने की जरूरत नहीं आप सारे जाने हो। रितु भाभी अपने साथ बैठे है और अजय भारद्वाज जो कि मीडिया के लेवल पर चौथे नंबर पर है और बहुत बढ़िया ही पत्रकारिता करा है बहुत बढ़िया है जो केसा ने भी से बड़े बड़े केस भी सुलझाए हैं आप सब ने भी देखा है। तो आज हमने ये फंस गए मिले नहीं फंस गए बड़ी मुश्किल से फंसे हैं यार बहुत दिन तक मैंने वेट था इनके इंटरव्यू का तो आज मिल गए तो आज आप इन पर सारी पूछ लेंगे। राम राम भाई। राम राम बहन जी। सबसे पहले तो मोनिका लोहान चैनल है जो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। आप भी कर दो राम राम जी सारा ने। भाई आज क्यों कराना होया और क्यों कर मैंने आज फंस गया। बहन जी आसी में आप भी संगठन के सदस्य हैं और उषा बहन है महिला विकास मंच का भाई आयोजन किया गया है यहाँ पर ऑफिस का शुभारंभ किया गया है तो भाई इसी मौके पर रितु जी और मुझे एक चीफ गेस्ट के तौर पर बुला गया था भाई मुख्य अतिथि आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमेशा समाज के लिए अच्छा कार्य करता है जो समाज के बारे में सोचता है उसी को ही मुख्य अतिथि के तौर पर बुला जाता है भाई। और मोनिका बहन का उषा बहन का आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप भी जो अपने छोटे से फोन कॉल पे हैं और आपने इतना कीमती समय दिया पूरा दिन हो गया आज हमारे साथ हैं बिजी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी जो हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में इतनी बड़ी हस्ती हमारे इसमें आई तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे खातर में। तो एक बात कर लें भाई अपनी बाण बेटियों खातर आज हमने ये स्टार्ट करा है ये मुहिम शुरू करी है आदमियों खातर भी और पुरुषों खातर भी महिला खातर भी सारे खातर है न्यू नहीं है कि भाई इसमें एक महिला ही ज्यादा प्रताड़ित हुआ है तो जो पुरुष है वो भी आजकल बहुत ज्यादा दुखी है। सीधी बात है भाई महिलाएं महिलाएं परेशान नहीं हाँ, पुरुष भी परेशान होने लग रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे इस मामले में आप ये जो चले जावे हैं कोई एक ने छोटे कोई दो या ने छोटे इनके बारे में क्या कहना है भाई। बहन जी लगभग एक साल से क्योंकि मैं 7 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और एक साल से जो लिव इन रिलेशनशिप के जो मामले हैं ज्यादातर एक्टिव होने लग रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो भाई जो समाज के अंदर जो हमारी बहन बेटियों को जो समझाया भी कर दे जो पुरुषों आकर दे उनको भी समझा आकर दे लेकिन तलाक पहले क्या था लिव इन रिलेशनशिप से पहले पति पत्नी का झगड़ा यदि हो जाता था तो तलाक का प्रोसीजर होता था कोर्ट के अंदर भाई किसी भी पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो 2 साल 4 साल 5 साल कोर्ट में केस चलता 1 साल के अंदर और 6 महीने के अंदर अंदर जो मनमुटाव होता था पति पत्नी का वो दूर हो जाता था लेकिन अभी क्या है 6 महीने होते नहीं वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ लड़की है वो किसी और के साथ रहने लग जाती है या लड़का है वो भी अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ रहने लग जाता है टाइम कम हो गया 1 महीने के अंदर अंदर वो द्वेष भावना में यदि पति पत्नी का झगड़ा हो गया आपस में तो उसको ये नीचा दिखाने के लिए माले पति अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए किसी अन्य लड़की के साथ रहने लग जाता है और कहता है देख मैं तेरे बगैर रहा मुझे तेरे बगैर दूसरी मिली पत्नी भी वो एक काम करता है अपने 4 बालकान छोड़ कर चली जाए और ये कहता है अपना पति ने 3 महीने के अंदर अंदर वो लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट तो असल में 3 मिनट में बन जाए वो डायरेक्ट उसको बोलती देख मैं तेरे बगैर मैं जी रही हूँ ना तो भाई जो ये मानसिकता होगी हमारे समाज के अंदर है लिव इन रिलेशनशिप है इसके अंदर इस कानून में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और जो बदलाव होगा तब जाकर के कहीं ना कहीं जो ग्रस्सी टूटने लग रही है ये टूटने से बचेगी यानी कि भाई जो घर उजड़न लग रहे हैं तब बचेंगे कहीं ना कहीं। भाई आपने कमेंट भी सुने होंगे पढ़े भी होंगे बहुत कमेंट आवे के तुमने ये पावे के ये मतलब न्यूज बनाना पावे के 2 बज के 4 बज के इसके बारे में क्या भाई हमने न्यूज बनाना हमारी मजबूरी है हमने बनानी पता है क्या बहन जी जब आप मीडिया लाइन में आते हैं तो लोगों के कमेंट भी आते हैं नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे कमेंट के ऊपर कभी भी आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते क्या पता लोगों की विचारधारा वो किसी भी केस को किस एंगल से देख रहे हैं कमेंट है हर किसी की अपनी अपनी राय है उनको आने दो हमने अपना काम करना हम अपना काम करते रहेंगे कमेंट है जो भाई वो करते रहेंगे दोनों तरह की विचारधाराएं होती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जिनके अंदर कोई कमी नहीं थी समाज ने तो लोगों ने तो उनके अंदर भी कमी निकाल दी थी उनका भी घर उजड़वा दिया था तो भैया तो समाज है दोनों तरह की बातें रखेगा मतलब 100% कभी भी किसी की भी वीडियो चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो उठा के देख लो 100% पॉजिटिव कमेंट कभी नहीं आते। भाई कल मैं एक इंटरव्यू लेने गई थी एक छोरी का वो गोल्ड मेडल जीत कर आई है छोटी सी बच्ची है और वह जो रेसलिंग है उसमें छोटा सा एक मेडल लेके आ रही है और उसने मैंने जो वीडियो बनाने गए तो भाई हमने कहा अभी बधाई होता ना ऐसा काम करा तो उसने एक बहुत दर्द बड़ी बात कही कि आज मैं आड़ा हूँ लेकिन थोड़े दिन पाछे मैंने भी सड़क कहाँ पे बैठना पड़ेगा जो हमारे पहलवान भाई बैठे हैं बहन बैठी है तो उसके बारे में क्या कहना है उसने कही कि
थोड़े दिन पाछे मेरी भी इज्जत न्यू सड़क पाओगी जो कोरोन की आ रही है। चलो भाई देखो ये जो मुद्दा है भाई, ये पहलवानों का जो साक्षी मलिक है और विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया भाई है और हजारों पहलवान उनके साथ में बैठे हैं। देखो भाई जो गलत बेटियों के साथ हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए और लगातार जो खा पंचायतें हमारी हरियाणा की वो पंचायतें करने लग रही हैं। कल भी बजरंग पुनिया ने बड़ा बयान दिया है कि भाई 3-4 दिन एक बार रुक जाए खा पंचायतें, उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जो संगठन है और जो खा पंचायतें हैं वो कहीं न कहीं 3-4 गुटों में बटी हुई है फिलहाल। तो वो बजरंग पुनिया का कहना था भाई एक बार हम एक ऐसी पंचायत करेंगे कॉमन पंचायत जिसमें सभी संगठन शामिल होंगे, सभी खा पंचायतें शामिल होंगी और जिसमें पहलवानों की तरफ से एक फैसला लिया जाएगा। तो भाई देखो यदि गलत किसी भी तरफ से हुआ हो भाई, यदि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए और यदि ब्रजभूषण ने यदि गलत किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए भाई, न्याय दोनों तरफ से होना चाहिए भाई। यदि पहलवानों की तरफ से कोई गलती हुई है तो वो भी जांच का विषय है और यदि ब्रजभूषण की तरफ से जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं देखो कुछ तो गलत हुआ है भाई। जो हमारे जो देश की बहन बेटियां जो सड़कों पर आई हैं वो रोने लग रही हैं, अपना मेडल तक गंगा में फेंकने के लिए बहाने के लिए तैयार हैं, कुछ तो गलत हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। और हम पहलवान जो बेटियां हमारी जो बहन हैं हम उनके साथ में हैं। बहुत बढ़िया बात कही भाई, हम पहलवान बेटियों के साथ में और साथ में होना भी चाहिए भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे देश का गौरव है। दिन रात मेहनत करके खून पसीने तक गोल्ड मेडल जीत कर लाई है और लेकिन आज हम उनके मान सम्मान के साथ नहीं खड़े होंगे तो बहुत ही मतलब गलत बात है यहाँ। बाबी जी एक बात, आप तभी आप ब्लॉग में दिखो भी हो और बनाओ हो तो आपकी और आपकी सासू की कुटमुट कुटमुट दिखे जावे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुटमुट है मेरी फैमिली है जो वो बहुत बढ़िया है और हम मतलब हंसी मजाक में वीडियो बनावे हैं और या जो ये हो कुटमुट है या हम आपके खातर करे जावे। रील इसका कहने का तात्पर्य है, रील और रियल उसमें फर्क है भाई। जो वीडियो में जो हमारा व्लॉग चैनल है वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन के लिए है भाई। यदि वीडियो में लड़ाई हो रही है तो ये नहीं कि भाई हमारे परिवार की आपस में लड़ाई हो रही है, लास्ट में हम बताते हैं भाई आज हम प्रैंक कर रहे थे। तो जिसको आप कुटमुट कह रहे हैं भाई छोटी मोटी हंसी मजाक मैं आपस में सास बहू के अंदर उनके बगैर भी वीडियो नहीं चलती। तो आपके जैसे आपकी भी लव मैरिज थी, आपके भाई ने भी लव मैरिज करी है, बिल्कुल, तो आप दोनों की कैसी निभरी है? अच्छी नहीं भरी है बहन जी, एक साल होने हो रहा भाई, अगले महीने की 13 तारीख को एनिवर्सरी हमारी, बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम तरीके से मनाएंगे हम एडवांस में। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, तो कैसी नहीं भरी है मतलब कुटमुट आपके बीच में भी होवे है के मतलब बिना रील के? मतलब सीधी बात है हमारी लड़ाई होवे कोन होंदी? हां होवे है कोन होंदी आय बता। वो तो आपन आपन के लग है, पति पत्नी के बीच में नुका रे जो दो बर्तन होवे तो खुड़केंगे, लेकिन इतने नहीं खुड़कने चाहिए भाई, बर्तने नहीं बर्तने फूट जर लोगा ना बाहर सुना। अच्छा अच्छा बिल्कुल, देखो भाई नु क्या करे जे दो बासण होंगे सही बात है, खुड़के भी के छोटी मोटी तो होंदी ही रहवे है ना। बिल्कुल, और जो आपके बड़े छोटे भाई थे शायद है ना, बड़ा मेरे से, अच्छा आपसे बड़ा है वो, तो उसकी भी लव मैरिज है तो अच्छा उसका खुलासा भी नहीं करते, उसका अभी तक किया नहीं, उसकी अरेंज मैरिज है। अच्छा अरेंज मैरिज है, लव मैरिज आई है। चलो ये बता दो आपकी भाभी कैसी आई है? भाभी जी शिवानी भाभी है, बहुत अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, वो तो आपने देखी भी होगी वीडियो में, देख लो जी, बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, और आपके सामने बोल रहे हैं, उनकी विचारधारा भी सुंदर हाँ, है। फिर इन भाभी नहीं है, मेरी सुनो मोनिका बहन जी, ये बताओ सुंदर केवल कोई इस पूरी पृथ्वी पे या अपने इंडिया में कोई एक के लड़की थोड़ा सुंदर हो उसका, हजारों और लाखों लड़कियां भी तो सुंदर हो उसका है नहीं भाई, एक को हमने सुंदर कह दिया दूसरे की बेइज्जती तो नहीं की, दूसरे को भी हमने सुंदर कह दिया ऐसा, आपके बैठे बैठे उसने सुंदर बोले ना, ऐसी कोई बात नहीं है, जो जैसा है उसके बारे में तो कहा भी जा, मन सुंदर होना चाहिए भाई और अपने परिवार ने कौन गलत बताओ कौन बुरा बताओ कोई नहीं बताना, और बहुत बढ़िया है शिवानी है मेरी बहन, बहुत बढ़िया। तो आप लोग मेरे हो गए कि रिपोर्टिंग भी करना स्टार्ट करोगे, पकड़ लो आप भी माइक मुइक आ गए, तो आपने भी भाई से कांड ने करा है ना, बिल्कुल सीख रही हूँ बाकी धीरे धीरे तो आगे है जिक्र है हाँ, ये मोटिवेट करे जहाँ है तो मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। तो स्टार्टिंग में जब आपने ब्लॉग बनाए से थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी मन में कि भाई मैं क्यों कर बनाऊँ, पहली बार कैमरा फेस करे तो हर किसी के मन में हुआ है, लेकिन फिर मतलब इनके ये बोले जाते इनके सारे थोड़ा थोड़ा मैं भी बोलना सीख गई, ये फराटा फराटेदार करो है हाँ ठीक बोल रहे हूँ ठीक बोल रहे हूँ। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई भाई दोनों का, और बहुत बढ़िया
लग गया जो आप हमारे अड़े पधारे, इतना मतलब टाइम दिया। और भाई मोनिका, भाई मोनिका बहन का जो चैनल है मोनिका लवान व्लॉग्स कर रखे आपने, दोनों है भाई, दोनों भाई दो चैनलों को आपने प्यार देना है। और देखो अपना तो आप शरीर से अच्छे हैं, बहन की दोनों टांगे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना प्रयास कर रही है। भीड़ के अंदर मैंने कई जो महापंचायतें हैं, जो कई बार भाई बड़े बड़े आंदोलन है या वहां तक पहुंची दिल्ली जंतर मंतर तक, तो इसकी मेहनत है या इसका संघर्ष है, वहां तक जब जाओ है। और किसी को न्याय दिलाने के लिए भी थाने कोर्ट वहां तक भी गई है, तो इसकी मेहनत है या। तो भाई आप कमेंट जरूर करें और बहन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए, और भाई सपोर्ट आपके सपोर्ट की जरूरत है बहन को, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।